छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं आज भाजपा ने प्रेसवार्ता कर राज्य सरकार के खिलाफ धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर जमकर जुबानी हमला बोला। भाजपा जिला मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण होने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ प्रदेश में रासुका लागू होने पर सीएम भूपेश बघेल पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे गलत बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि रासुका जल्द से जल्द खत्म किया जाए। प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत राजेश मूणत भी मौजूद रहे। जिस प्रकार कानून लाया गया और नारायणपुर की घटना के बाद जिस प्रकार कानून लाया गया, जिस प्रकार 65 लोग जेल के अंदर हैं और उनको दहशत लाने के लिए कि आप धर्मांतरण का विरोध करोगे तो रासुका आपके ऊपर लगा दिया जाएगा, कोई यदि नेतृत्व करेगा तो रासुका लगा दिया जाएगा, इसके प्रत्यक्ष रूप से मैं कह सकता हूं कि दिल्ली यात्रा के बाद यह निर्णय लिया गया, कहीं न कहीं उनके इशारे से।